घुमाया जा रहा है, मैनेजमेंट भेज रहा है कॉन्ट्रैक्टर के पास, कॉन्ट्रैक्टर भेज रहा है मैनेजमेंट के पास कि आप जाइए। आखिर वो गरीब का क्या दोष है? यहाँ पे बैठा हुआ बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख सैलरी है, वो गरीब का सैलरी 16,000 रुपया, उसका पूरा फैमिली डिपेंड उसी पे करता है। और मैनेजमेंट का जो यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, हम लोग भी चाहते हैं कि प्लांट है, लोकल प्लांट है, यहाँ पर बहुत सारा आदमी को रोजगार मिलता है, आदमी सिखा रहा है, इससे प्लांट चले, शांति से चले, जैसे प्लांट नॉर्मली चलता है वैसे चले, हम लोग भी चाह रहे हैं। लेकिन जो है कि मैनेजमेंट की वजह से प्लांट डिस्टर्ब होगा, ये लोग लेबर के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो लेबर अंदर में काम कर रहा है प्लांट के अंदर में, वो लोग के साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो लोग डर से बाहर में बोल नहीं पा रहा, इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि लोगों को मैनेजमेंट का डर है कि आज हम बोले कल हमको भी बैठा दे, गई थी वापस काम कर दे, जैसा हो रहा उसका भी हाल हो जाएगा, डर से वो लोग भी नहीं बोल पा रहा है। जो मैनेजमेंट का जो डिक्टेटरशिप है, जो अत्याचार है, इसका विरोध में हम लोग मैनेजमेंट से बात करने का कोशिश की, लेकिन मैनेजमेंट का घमंड इतना है, अहंकार इतना है, बात करने का तैयार नहीं है। यदि मैनेजमेंट आप लोग से बात नहीं करती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? हम लोग ये आंदोलन में उतरे हैं, आंदोलन के माध्यम से देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाह रहे हैं, जिससे कि मैनेजमेंट तक और मैनेजमेंट के ऊपर में भी ये खबर जाए कि क्या हो रहा है कुलटी में। और हम लोग अपना पार्टी का उच्च नेतृत्व को भी जना दिए हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। मेरा नाम नदीम বহুদিন ধরে যোগাযোগ আমাদের কুষ্টি জেলা কাউন্সিল যোগাযোগ করে আমরা শ্রমিকদের স্বার্থে এবং এই সমর্থনে আজ আমরা